हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आरपी पटेल बात करूंगा आपसे 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस परीक्षा में 41,556 लोग सफल हुए थे और इनकी नियुक्ति के संबंध में जो आवेदन था वो 21 से 28 अगस्त के मध्य लिया गया था। और इसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है नियुक्ति पाने के लिए, उसके विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपनी बात। तो मेन हेडिंग है 887 अभ्यर्थियों ने नहीं किया नियुक्ति के लिए आवेदन, लिखित परीक्षा उत्तीर्ण 41,556 में से 40,669 ने ही भरा जिला वरीयता। तो अब न्यूज है, परिषदीय स्कूलों की सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में खाली सीटों की संख्या और बढ़ रही है। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 887 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पाने के लिए आवेदन ही नहीं किया। मंगलवार शाम 5 बजे तक 40,669 ने ही जिला वरीयता व अन्य सूचनाएँ ही दी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो अंतिम तिथि थी वो थी 28 अगस्त और 5 बजे तक ही जो अपनी सूचनाएं और जिला थे वो भर सकते थे। तो उतनी कल तक जो 5 बजे तक 40,669 लोगों ने ही आवेदन किया। अब दावेदारी को जिला आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद परिषदीय मुख्यालयों जिले को आवंटित अभ्यर्थियों की सूचना या सूची भेजेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 27 मई को लिखित परीक्षा हुई। इसमें 41,556 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। कम अभ्यर्थियों के सफल होने से उस समय करीब 26,944 सीटें खाली रहने की उम्मीद थी। शासन के निर्देश पर परिषद ने 21 से 28 अगस्त तक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन जिला वरीयता व अन्य सूचनाएं मांगी ताकि उनकी नियुक्ति की जा सके। मंगलवार शाम 5 बजे तक सिर्फ 40,669 ने ही आवेदन किया। ऐसे में 887 सीटें और खाली हो गईं। साथ ही रिक्त सीटों की संख्या बढ़कर 27,831 हो गई। माना जा रहा है 1 सितंबर से काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। आवेदन की वेबसाइट बंद होने के बाद अभ्यर्थियों के गुणांक बारांग जिले में उपलब्ध पद आदि के हिसाब से जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह कार्य पूरा होते ही परिषद सभी जिलों को उनके यहां आवंटित अभ्यर्थियों की सूची भेजेगा और दावेदार वेबसाइट पर आवंटित जिला देख सकेंगे। तो 41,556 में से 40,669 लोगों ने नियुक्ति पाने के लिए आवेदन किया हुआ है और 887 सीटें और खाली हो गई हैं। तो बस यही था कि 40,669 लोगों ने आवेदन किया मंगलवार शाम 5 बजे तक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।